अगर आप मानो या न मानो, एक सीट भी किसी को क्लियर नहीं हुई है। अभी सभी महागठबंधन के लोग पहले बैठेंगे, बैठ करके पहले ये फैसला करेंगे कौन कितने सीटों पे खड़ा होगा, फिर सेकंड फेज में कौन कहाँ से लड़ेगा इसका फैसला होगा, और थर्ड फेज में पार्टी डिसाइड करेगी कि हम कहाँ पे कौन सा उम्मीदवार दें। फर्स्ट फेज नहीं हुआ, अब थर्ड फेज की बात। माछ भात तो आप लोगों ने खा लिया, माछ भात तो खा लिया, माछ भात का भोज भी शुरू हुए। तेजस्वी यादव आया तब भी कह रहे थे, मुकेश सहनी, कि मैं हूँ, मैं माछ भूत बात शुरू कर दिया, उसमें किसी ने काटा भी नहीं। हाँ, ठीक है, क्या समझा जाए? शरीयत है कि अभी माछ भात तो पूरे बिहार में होगा, हर जिला के अंदर होगा। ठीक है, तो बाद में बात करते हैं। महागठबंधन को जिताएंगे, ये तो पूरे बिहार में होना। देखिए, वो पार्टी के लीडर हैं मुकेश सहनी जी, वो उनकी बात लालू जी और तेजस्वी स्तर पे होगी, और जो दूसरे महागठबंधन के उस लेवल के लोगों वो लोग करेंगे। पहले वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितनी कितनी सीटों पे चुनाव करेंगे, फिर समझ लीजिए सेकंड फेज में कहाँ से कौन लड़ेगा, और थर्ड फेज में कैंडिडेट तय होगा, तभी फर्स्ट फेज की बात कीजिए कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आके दरभंगा में, फिर दरभंगा में बता दिया कि मैं यहाँ पे मुकेश सहनी के साथ खड़ा हूँ। मैं मधेपुरा पिछले सत्रों में भी आप कर सकते हैं बीएड एमएड। उन्हीं चीजों को यहाँ रखने की कोशिश की है। मुझे मालूम है कि इनका काम इटली से भी होता है, और इटालियन पत्थर भी यहाँ ला सकते थे और रख सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ के लोग किस तरह की चीज पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहला ऐसा शोरूम है जिसमें डिस्प्ले सेंटर भी है। मैं अभी पीछे देख करके आया हूँ, आप भी जरूर जाइए और देखिए हर टाइल का, कौन कौन सी टाइलें यहाँ पे उपलब्ध हैं, कौन कौन सा क्वालिटी का टाइल उपलब्ध है, पत्थर उपलब्ध है। इतने बड़े एरिया में तो मुझे दरभंगा में किसी शहर में दिखाई नहीं है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और लोग यहाँ चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा सामान अपने घर में लगाएं। तो मैं आखिरी में अपनी जाहिद साहब को, उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं, और दुआ करता हूं कि ये दुकान और ये जो उन्होंने यहाँ पे शोरूम खुला है, निश्चित रूप से नंबर वन यहाँ का शोरूम बनेगा। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि और तरक्की इनको मिले। आज एक खुला है, कल दो और खुले। और आप लोग आगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और भविष्य आपका उज्जवल हो, यही हम लोग कामना करते हैं। आप लोग खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें, यही भगवान से हम दुआ करते हैं। आप लोग इसी तरह माँ सरस्वती की वंदना करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। हम लोग तो शहरवासी हैं, हम लोग चाहेंगे कि हमारे शहर का आगे नाम हो और आगे भी हम लोग शहर के लिए कुछ करके दिखाएँ। और आप लोग जो बन रहे हैं, वो कहीं जाके आप कुछ बनते हैं तो दरभंगा का नाम रोशन करते हैं। हम लोग शहर का करते हैं, आप लोग दरभंगा का नाम दूसरे शहर में जाए करते हैं। हम लोग यही आशा करते हैं कि आप लोग हमारा दरभंगा शहर बाहर कहीं भी जाके आप लोग नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ हम जय सरस्वती माता, आपको आशीर्वाद देते हैं, नाम रोशन हो। पैसी के साथ आप लोगों को सभी को आज सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई।
आप लोग इंस्टीट्यूट से हैं या संस्था से हैं, कोचिंग से किससे से आप लोग पूजा करेंगे? हम लोग ना इंस्टीट्यूट से हैं ना संस्था से हैं जी। हम लोग बिहार के बाहर जॉब करते हैं जी, साथ में हम लोग गुलबंतपुर के रहने वाले, और हमारे कुछ मित्र जो हैं यहाँ के हैं, कुछ हमारे जूनियर्स हैं जो हमारे गांव से हैं, तो हम लोग एक संस्था समझिए सूर्योदय एक नई शुरुआत के तहत हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साथ में हमारे ग्रामवासी गुलबंतपुर और शहरवासी सभी का योगदान। फिर आप लोग इसमें पूजा समिति का नाम तो रखे हुए कुछ? पूजा समिति का नाम तो वही नवयुवक सरस्वती पूजा समिति पर्वत।